गसेरी का सभी दगड़ियों खुनी धर्मेंद्र पंत को नमस्कार। दगड़ियों, आज हम तुम तई पुराण जमने एक कथा सुनाना छो, जो हम खुनी भिजींच कोटद्वार बिटी भाई हिमांशु रावत की। बण मानुस की ई कहानी थई पूरी जरूर सुनिया अर लाइक व शेयर भी करया। त कहानी इंच यह बहुत पुराण जमने की बात। एक जगह छे मलारी, जख दसम वसा दस्य रेंद छाए। एक दिन बात वो जंगल गए न तो वो खून थे कि बण मनिक मिल गए। क्या मिल? बण मनिक। अब वो बिंडी छाई और वो बिचर यकुली। तो यूं सबुन मिली कहे कि वो बण मनिक पकड़ दे। दिखेणो को तो वो मन की जन छो, पर वो एक सर्य सरेल पर छक्के पाल छाए। वो बण मनिक थे घोर लियेन और वे मा सब भी काम करोन बैठीन। जन पुंगड़ो में काम करुण, मोल गढ़ुण, मोल धोलुण, कुटुणु पिसुणु और इन कत्ती काम। वो बण मनिक जल्दी जल्दी सब भी काम कह दिन छाए। वे खूनी रात बुआला काम करो चाहे सुबेर ले की या बिखुंदा, वो कभी ना नी बुध छाए। अब तुम सुचना हुएला कि वो खांदु की छाई। वे थे वो घास पूसे रोटी दीन द छाए। किले ऊ थे डोर छई कि कखियों को सब भी नाज यू बण मन की नी खे जा। अर वे थे वो सिवल द भी छाई तो छनम घास फूसम। एक छन पुटुक गोर बखुर रेंद छाई तो दूसरा पुटुक बण मनिक। पर कहानी अग्ने सुनने से पहली एक अनुरोध, नीचे सब्सक्राइब का बटन और फिर घंटी दबाकर उत्तराखंड के इस विशेष चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब कहानी अग्ने सुन दो। इत तुमन सुनी एली कि बण मनिक क्या काम कद छो और वो क्या खांद छो और कख रेंद छो। अब एक दावे बात, दस्या एक त्योहार मनोना छाए। उनका घर स्वाला भूरा बण बैठ गई। दस्यों स्वाचा कि हम ये बण मनिक में काम भी सब भी कर दो, पर ये थे खानो घास पाते रोटी दिन दो। और जब बिटी आए तब बिटी हमारी फसल पात भी अच्छी होनी। वे दोनों का कई पकवान तो बनाया ही छे। तून वे खुनी एक परत इंदु खूब स्वाला भूड़ा रख दीन और वे थे सीणो को काटू भी दे दे। अब बिखुंदा सभी धान धंधा निपटे की बण मनिक अपनी कुठड़ी में पहुंच तो वे देख कि आज वे की कुठड़ी बहुत साफ सुथरी हुई च और वे खुनी खानो भी कुछ अलग ही धरियों। वे थे भूख तो लगी छे, वे इन पकौड़ी अपना गिचम धैरी तो वे थे वो लुड़ेना अलग वे न थूक दे। अब वे इन साग गिचम धार तो वे थे उल्टी आ गए छे। वो भूख छा है पर वे इन वो खानो निखे। तब भी वे इन देखी कि उख कौट भी रख्यूं छ। वे इन सोची ये दस्या बड़ा निर्दयी छन, एक तो बुकिच और वे थे अब रात भी चैन से नहीं रहन देना छन। वे इन समझी कि ये कौट यूं को ऊन अलग अलग कनों को रख्यूं छ। वे इन चुपचाप कौट उठाई और वे फरबिटी ऊन थे अलग अलग करण बैठ गए। सर्य रात काम कैर की वेन कॉट को एक एक धागु अलग कैर दे। फिर वेन वक्म सूत फींज की उनको ढेर लगाए दे। दस्यों त वे दिन वे का बारम अच्छ सोच छे, पर बण मनिक ते लग कि यून वे थे कि रात भर भुखी राख और काम भी कठिन दे, जहाँ से वो
पहली बार आज थकी गए। अब सुबेर लेके एक दस्या पुंगड़ो महल लगाउन को चल गए, पर तबरी वे को नाड़ो टूट गए। अब वो हैल का निकल लगो वो घोर जने औंद तो तबरी वे थे कि रस्तम बणमनिक दिखे जान। वो दूर बिटी वे खुणी बुध फटाफट घोर जा अर नाड़ो लेके आओ। अब दूर बिटी बणमनिकन ठीक से नहीं सुनी, वेन बोली छड़ी तो दस्यन भी ढंग से नहीं सुनी अर वेन बोली हाँ। अब बणमनिक घोर आई अर वेन दस्याण बुढ़िम बिटी छड़ी मांगी। या छड़ी बणमनिक की छे, जब ऊन पकड़ छो तो तब बुढ़िन व लुकै दे छे। अब बुढ़िन सोची कि वी की नौन तुम गाणू छ तो वीन व छड़ी बणमनिकम दे दे। अब छड़ी हाथम आउंदी बणमनिक को दिमाग काम करन बैठ गए। वो भैर चौकम आई अर वेन दस दांत छड़ी फटलों पर जोर जोर से मारी। अर यहाँ का बाद वेन दस्यों थे शाप दे दे। वेन बोली खानो कु खानू, धाने कु धान, दसमो दस्या निर्दस्य हो जाया। एक बाद बणमनिक अपनी छड़ी लेकी बणम चल गए। अर्बुद अछन कि मलारी का दस्य मवस दस्यों का इख वे दिन बिटी कोई आन औलाद नहीं हुई और वो धीरे धीरे कह की खत्म होएगी। तो यह कहानी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी असहाय पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो कहानी कन लग तुम थे हम थे जरूर बतैया तो टिप्पणी कह रही की और इं थे कि लाइक और शेयर करूँ न भूलियाँ। नमस्कार।